गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसमें बेटा हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डेसिमल को किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। यानी डेसिमल नंबर को हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक जैसे अभी हम लोग देखेंगे, ये हमारा क्या है 1.3, जैसे हमारा लिखा हुआ है 1.3। सबसे पहले हम इसमें बेटा देखेंगे कि डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, ठीक है। और हम आपको बताया था हमने डेसिमल कब होता है, जब डिनोमिनेटर हमारा 10 का मल्टीपल हो। और 10 का मल्टीपल हम अपनी मर्जी से थोड़ी रख देंगे कि जहां मर्जी हो 10 कर दें, जहां मर्जी हो 100 कर दें, जहां मर्जी हो 1000 कर दें। नहीं, हम डेसिमल की पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। यहां से हम काउंट करेंगे डेसिमल कि हमारा डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है। अगर 1 डिजिट के बाद है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 10 लिखेंगे, 2 डिजिट के बाद है तो 100, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो हम लोग 1000 करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, कितनी डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो ये डेसिमल यहां से हट जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और चूंकि हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसको हटाया, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 10 लिख लेंगे। बस हो गया ये आपका, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया ये। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये है 8.36 है, तो बेटा यहां पर अगर हम इसको लिखते हैं कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल ऊपर से हटेगा, कितने के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद है, तो कितना आएगा, 100, ठीक है। जितनी डिजिट के बाद ही होता है उस उतना ही 10 का मल्टीपल हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह हमारा क्या होता, 9.836 होता, ठीक है, तो ये कितना होता, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 9836 अपॉन क्या होता, 1000, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा राइट द, इसके बाद आएगा कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये तो समझ में आ गया, हमने डेसिमल से फ्रैक्शन, अब इसका उल्टा। अब ये ऐसे बनाना, फ्रैक्शन दिया होगा उससे डेसिमल में लिखना, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हमारे पास फ्रैक्शन, जैसे हमने क्या किया कि चलिए हम कोई भी ले लेते हैं, 7/10 है, ठीक है। कितना है, 7/10, यहां पर हम क्या देखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट ऑलरेडी है हमारे पास, तो 7 उसके आगे डेसिमल लगा दो, ठीक है। यही अगर हमारा होता 38/100, तो कितनी डिजिट के बाद लगता बेटा, 2 डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगाते तो हमारा 2 डिजिट है हमारे पास, ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 डिजिट के बाद, ठीक है। अगर हमारे पास 938/1000 होता तो 1, 2, 3 है 0, तो कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, यानी 1, 2, 3 डिजिट के बाद, यानी 938 और 1, 2, 3 डिजिट, क्योंकि नीचे क्या है 1000 है, 1, 2, 3, 0 है, तो 1, 2, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया जाएगा, फाइन। कभी कभी क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर जब डिजिट जो होती है वो हमारी उतनी नहीं होती है कि हम गिनकर डेसिमल लगा पाए। कैसे, जैसे ये 7 है, 7 के नीचे मल्टीपल है हमारा 100, अब हम 0 गिनेंगे, हमने देखा 1 और 2, तो कितनी डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगना चाहिए डेसिमल, लेकिन हमारे पास क्या है, ओनली 7 है। अब बेटा अगर हम इधर 0 बढ़ाएंगे 2 डिजिट बनाने के लिए इसको, तो ये 70 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो हम कहां करेंगे इसको, 2 डिजिट बनाने के लिए, इसे 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे, ये 2 डिजिट 0, 2 डिजिट नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, कितने 0 है नीचे, 2, तो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.07, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी की जगह अगर हमारा 8/1000 होता, अब कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है कितनी हमारे पास, एक ही डिजिट है, हमें इसे कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसको 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम इसके आगे 2 0 और लगा दें, तो 1, 2, 3 डिजिट हो गई, अब यहां पर डेसिमल आ जाएगा,
फाइन। तो ये आपका बहुत इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं कि डेसिमल से इनको किसमें कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में बदलना, और फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना, और ऐसे ही इसको डेसिमल में लिखना। बहुत आसानी से आप इनको क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनको बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में है, फाइन। इसके बाद आती है हमारी 5.4, ठीक है। अब 5.4 एक्सरसाइज में नथिंग, यहां पर आपका क्या है बेटा, यहां पर है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या करना, एक्सपेंडेड फॉर्म, इस एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए जैसे आपके जनरली आप क्या लिखते थे, मान लीजिए 32 था तो आप कैसे लिखते थे, जब बैक जो आपके पीछे क्लासेस में 32 या 32 हो गया, ऐसे ही हम किस पे लिखेंगे, यहां पर जैसे आपका दिया है 24.18 दिया है, तो बेटा ये देखिए, ये तो 24 हमारा कैसा 20 और 4 हो गया, यहां से कहानी बदलती है। जैसे ही डेसिमल पॉइंट आता है वैसे ही हमारा लिखना शुरू हो जाता है, यहां डेसिमल 1/10 से शुरू होता है, 10th, ठीक है, यानी 1 है तो 1/10 प्लस दो डिजिट के बाद है, ये आपका 100th है, क्या है 100th, 8/100 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा डी पोर्शन में देखिए 37.208 है, तो 37 तो हमारा नॉर्मल लिख लीजिए, फिर यहां से ये 10th, 100th और 1000th, तो 10th में 2/10, ये 0 है तो 0 प्लस 8/1000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सारे ये एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस करेंगे आप, फाइन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, जैसे 8/10 प्लस 1/100, तो ये दो डिजिट हो गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.81, ठीक है। अगर इसको और हम लोग हम बता चुके हैं इसको, इसको अगर हम और ओपन करें तो अगर 8 यहां पे देखिए, इसे मान लीजिए 8/10 है, 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.8 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 करेंगे। अब अगर इसको हम ऐड करें तो 0.8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 0 फिर 1, तो ये इसको ऐड करिए 1/8 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो कितना आया 0.81, ठीक है। एक और करके दिखाते हैं, एफ पोर्शन देखिए, एफ पोर्शन में क्या है 800 प्लस 5 प्लस 4/100 प्लस 2/1000, ठीक है, बहुत आसान है। ये तो 805 हो गया बेटा, इससे तो हमें बिल्कुल भी कहीं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा पोर्शन क्या बनेगा, प्लस 10th वाला है नहीं, 10th भी तो होना चाहिए था सीक्वेंस में, तो उसकी जगह 0 प्लस ये 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 1 ही डिजिट है, तो 04 और ये पॉइंट, ठीक है, प्लस ये 3 डिजिट के बाद लगना चाहिए, यहां 1 ही डिजिट तो हमें 3 डिजिट बनानी पड़ेगी 0.002। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 805 फिर 0.024042, ठीक है। अगर मान लीजिए चलिए हम इसको ऐड करके दिखाते हैं, भैया ये आपका सीधा पार्ट है, इसके कुछ नहीं करना है, इसमें आगे कुछ है ही नहीं, फिर डेसिमल वाला लगाना, तो इसके आगे तो डेसिमल कुछ है ही नहीं, तो इसको 0.0 लगा दिया। अब 0.04 फिर क्या है 0.002 0.00 और फिर क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, ये 0 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और ये हमारा 8, 0 और 5 हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आप करेंगे, फाइन। ये देखिए इस तरीके के आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये होमवर्क में आप 5.4 करेंगे और 5.3 करेंगे।